राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। छपरी लड़कियों को कैसे पहचाने? ऊंची पेंट पहने हुए, चटक लाल लिपस्टिक लगाए हुए, टांगें बिल्कुल सूखी होंगी जैसे बकरी की होती है, पैरों के गड्ढे पूरे काले होंगे और पैरों में काला धागा बंधा मिलेगा क्योंकि उन्हें नजर लग जाती है। छपरियों की एक पहचान और है, उनके बाल काले रंग के नहीं होते, रंग बिरंगे होते हैं। छपरियों को लगता है कि नॉर्मल लोग तो फुद्दू होते हैं, असली फैशन तो हम लोग करते हैं। पंडित जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से जब शादी करी है, शादी के बाद हम लोगों ने, हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी। तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी होता है, मेरी तरफ से भी होता है। तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ? हाँ जी जरूर। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। बाबा जी, क्या मंत्र दिया है? अगर आधे भक्त जन भी ये मंत्र मान ले तो संसार में लड़ाई होना ही बंद हो जाए। लगता है ये मंत्र उस लेडी का पहले से ही पता था, इसलिए बाबा जी की बात सुनते ही हंस पड़ी। प्यारी समझ गई। कोई लड़का हाथ धो के पीछे बड़े मुंह धो लीजिएगा। बस हाथ धोए, आप क्या धो लिए? मुंह धो लिए। मेकअप हटा, ब्रेकअप हुआ। खान सर, मानना पड़ेगा आप हर चीज के एक्सपर्ट हो, लेकिन इस टॉपिक पे आपने इतनी डीप स्टडी कैसे की? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये खान सर का पर्सनल एक्सपीरियंस है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? सेल्फी लेते हुए अगर भाई को कुछ हो जाता तो लोगों से क्या कहते? भाई सेल्फी लेता लेता भगवान को प्यारा हो गया। आज के बाद ये बात तो पक्की है, ये सांप के आसपास भी नहीं भटकेगा। सेल्फी लेना तो बहुत दूर की बात है। अबे जब इंसान ऐसे हाथ कर रहा है, इसका मतलब उसको और खाना नहीं खाना है। और इस बेवकूफ ने तो दीदी के हाथ में सब्जी डाल दी। दीदी सोच रही होगी बेवकूफ ने हाथ में सब्जी गिरा दी, पहले थप्पड़ मारूं ये सब्जी साफ करूं। वे सेंधा नमक लगा के चाट के देखिए। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बात कराओ, क्या कह रहा है बच्चा? बेटा बेटा आपकी गलती नहीं है, आपकी मम्मी ने आपको लाइन ठीक से नहीं बैठवाई। गुरुजी समझ गए थे बच्चे ने गलती से लाइन उल्टी बोल दी है। ओपा आ, ओपा आ, ओपा आ। पापा, मैं जानता हूँ घर पे पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन उसके लिए प्लीज मेरा वाटर पार्क कैंसिल मत करना। चल। घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को यही टेंशन होती है कि कहीं हमारी पिकनिक ना कैंसिल हो जाए। पापा सोच रहे हैं बेटा बड़ा हो गया है, पर बेटा अभी प्रॉब्लम समझ रहा है लेकिन उसको सॉल्व करने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब चीज आत्मा आत्मा भूत परेत आत्मा सीधी पत्नी, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ये सब रियलिटी में नहीं होता है। खान सर का मैं फैन बन गया हूँ, भाई बंदा हर बात करेक्ट कैसे बोल देता है। खान सर के पढ़ाई के साथ जिंदगी के कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हैं। काली चुड़ैल से निकल आगे को। भाई ती भाई मैं रब्बन है ना लोकेश की तारा जा इन द ऊर ये ना रूप तलवर रहा ये द रूप तलवर पूरा देता है। तुम आता तुम आया शम्मा आया। देख रहे हो आंटी जी राइड लेने आई तो बंदा कैसे धक्के मार रहा है, कोई लड़की होती तो नीचे तक छोड़ के आता। भाई सीधे सीधे लिख दो ना, बॉयज एंड आंटी इज नॉट अलाउड। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये लड़के टचनबाजी में ऐसी लड़कियों को गिराते रहते हैं। लड़का यहाँ पर ज्यादा एक्साइटेड हो गया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वेट उठा लिया है। एक्टिंग है। गाइस, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय दोस्तों।